रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट। आप कार से कहीं जा रहे हैं, कार को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, तो आप उसे बचाने के लिए पहले कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे, फिर थिंक करोगे एंड देन रिएक्ट। उसके बाद रिएक्ट कि आपको ब्रेक लगानी है या कार को टर्न कर देना है जिससे कि वो सामने वाला पर्सन बच जाए, तो ये होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में आप कंडीशन सर्कमस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर बाद में एक्ट करते हैं कि आपको करना क्या है, ब्रेक लगानी है या कार को टर्न देना। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल 3.8 है, एग्जाम्पल 3.8। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम वाई ए सिंपल एक्सपेरिमेंट, टेक्स अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड द फोरफिंगर। आफ्टर यू कैच इट, फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाई द रूलर। इन अ पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21.0 सेंटीमीटर। एस्टिमेट रिएक्शन टाइम। कुल मिलाकर इसमें यह है कि आपके फ्रेंड ने एक स्केल हाथ में पकड़ा हुआ है और वो स्केल आपके थंब और फोर फिंगर के बीच में से पास हो रहा है। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। अचानक से वो उस स्केल को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। अब आप उस स्केल को गिरने से रोकते हैं यानी पकड़ लेते हैं। तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि वो स्केल ड्रॉप कर चुका है। अब आप थिंक करोगे सेकंड और फिर एक्ट करके उसको पकड़ लोगे यानी गिरने से रोक। तो जब तक इतना टाइम लगा उतनी देर में वो कितना डिस्टेंस फॉल कर चुका है, 21.0 सेंटीमीटर। रिएक्शन टाइम लेना है। तो फॉर्मूला होता है S=UT + ½AT²। एस माइनस डी होगा क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड मोशन हमें नेगेटिव लेना होता है। तो एस की वैल्यू माइनस डी रखेंगे, यू जीरो इनिशियल स्पीड, हाफ ए की वैल्यू माइनस जी, फ्री फॉल में ए माइनस जी के इक्वल होगा, तो डी आ गया हाफ जी टी स्क्वायर और टी की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 0.2 सेकेंड। तो आपका रिएक्शन टाइम हो जाता है 0.2 सेकेंड।